सिल्वर प्रदर्शनी का हुआ भव्य उद्घाटन। 500 स्टॉल और 1.5 लाख से अधिक डिजाइनें। मुंबई, 8 जून 2023। जीसी इंडिया के तत्वावधान में चांदी की भव्य प्रदर्शनी 8 जून से 11 जून 2023 तक मुंबई बीकेसी में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई है। 8 जून को सुबह इस सिल्वर शो का उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा के कर कमलों द्वारा हुआ था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा के सहयोग से आयोजित इस सिल्वर शो में प्रदर्शकों के 500 से अधिक स्टॉल हैं। यहां 1.5 लाख से अधिक डिजाइनें प्रदर्शित हुई है। इस B2B सिल्वर शो में 25 से 30 हजार ट्रेड डेलीगेट के आने की संभावना है, ऐसा इब्जा के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी ने कहा। उद्घाटन समारोह में कल्याण ज्वेलर्स, मलबार गोल्ड और जॉय लुकास की अग्रणी प्रतिभाएं उपस्थित रही। इब्जा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चेतन कुमार मेहता ने कहा कि यहां कलात्मक और नयनाकर्षक सिल्वर ज्वेलरी की मास्टरपीस प्रदर्शित हुई है। विख्यात कलाकारों और डिजाइनरों का विशिष्ट सर्जन यहां दिखाई देता है। यहां हार, ब्रेसलेट, अंगूठी, अर्निंग्स की कलात्मक विशाल श्रेणी प्रदर्शित हुई है, जहां सिल्वर आर्टिफैक्ट्स का अनोखा प्रदर्शन दिखाई देता है। इसमें डेकोरेटिव आइटम, स्कल्पचर और होम डेको के विशिष्ट आइटम दिखाई देते हैं। कीमती धातुओं के साथ समृद्ध कला विरासत यहां प्रदर्शित हुई है। इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा कि यहां चांदी का सौंदर्य और कला विरासत दिखाई देती है। इतनी सबसे बड़ी चांदी की प्रदर्शनी से मुंबई सिल्वर दस्तकारी के हब के रूप में उभर कर आया है। फोटो लाइन, महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा 8 जून को सुबह बीकेसी के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में विशाल सिल्वर प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र में चांदी उद्योग के अग्रणी, इब्जा के पदाधिकारी और सिल्वर दस्तकारी समुदाय के अग्रणी दिखाई दे रहे हैं। जब आप अलग अलग होते हो तो लोग आपके विरोध में जाने को देखते हैं, और ये एसोसिएशन का मतलब ही यही होता है कि कहीं पर मद्रास में किसी को जरूरत लगे या उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव के अंदर कहीं पर किसी ज्वेलर के साथ में, आपके सिल्वर बिजनेसमैन के साथ में कुछ गलत हो रहा है, उसको ये भरोसा है मन के अंदर कि मेरे रिश्तेदार, मेरे एडवोकेट, वो तो मेरे साथ आएंगे ही, और मैं आवाज दूंगा तो पूरी भारत की एसोसिएशन मेरे साथ में खड़ी रहेगी। और ये जो इस तरह के जब आप प्रोग्राम करते हैं तो आपस में अपनापन बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति मिलना जुलना होता है। मैं समय की मर्यादा समझते हुए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर मैं मन से आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये पूरी टीम जिसने ये प्रोग्राम आयोजित किया और यहाँ पर भी जो लोग इस प्रोग्राम के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। एसोसिएशन में जब आप पदाधिकारी बन जाते हो तो उसकी दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका सुंदर सा कार्ड बनता है, जब जब इनोग्रेशन प्रोग्राम होता है फोटो के अंदर आते हो, और जब जब कोई मैगजीन छपती है तो आपका शुभकामना संदेश जाता है। और दूसरा ये होता है कि एंड ऑफ द डे जब आपकी टर्म खत्म होती है 2 या 3 साल में, तब आपको ये लगे कि इस साल तो मेरे मुंबई के अंदर 200 एग्जीबिटर्स आए थे, 500 स्टॉल लिए थे, अगली बार ये हॉल हमको छोटा पड़ेगा, 500 एग्जीबिटर आएंगे, 1000 स्टॉल लगेंगे। ये एसोसिएशन के अंदर काम करने का जीवन का आनंद है। लाइफ में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, पर जो जिम्मेदारी लें वो पूरी अच्छी तरह से करनी चाहिए। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि गीता के अंदर अर्जुन ने जब दुविधा में पड़ गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि भगवान आपका धर्म है क्या, तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, वो भाषा अलग थी पर मैं मेरी देसी भाषा में आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म ये है कि आपको जो काम दिया गया है
वो काम अपने पूरे मन से बेस्ट तरीके से करो, पूरी ताकत लगा के करो। फिर चाहे आपको ये माइक ठीक करने का काम दिया हुआ है, चाहे स्टॉल के अंदर सेल का काम दिया हुआ है, चाहे मेरे को और हमारे एमएलसी महोदय को राजनीति चलाने का काम दिया है, ये एसोसिएशन के पदाधिकारी को आपके बिजनेस को 3 गुना 4 गुना बढ़ाने में सहायता करने का काम किया है। इफ एवरीबडी डज इज वर्क इन द बेस्ट वे, इट इज द बेस्ट प्रेयर टू द गॉड, एंड गॉड ब्लेस दोस पीपल्स हु प्रे देम बाय हार्ट, आइदर बाय वर्ड्स और बाय वर्क। इट इज द प्रे बाय वर्क। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अपना टीम बहुत अच्छा काम किया। और कितना जो भी सवाल आने दो अपना इंडस्ट्री के लिए, किधर तक होना तो भी फाइट करेंगे। वी शुड बी यूनिटी अक्रॉस द इंडिया। अपन यूनिटी से जो भी काम करेंगे वो तो 100% सक्सेस होएगा। बहुत बड़ा बड़ा ज्वेलर सभी आए इधर, अपना भीमा जी का गोविंद जी आपको आए, और बहुत लोग बड़ा बड़ा आदमी लोग इधर आपको है, जाए अलकास का मैं नाम बोलने के लिए नहीं जाता है, फिर भी बहुत छोटा आदमी है कर्नाटक में, अपना ज्वेलरी फील्ड से सेकंड टर्म में एमएनसी हो गए, फ्लोर डेप्टी लीडर भी है। जो भी इश्यूज है मैं रेज करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे को। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि गोल्ड हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 700 से 800 टन गोल्ड इम्पोर्ट होता है, उसी के साथ में अब के आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर सिल्वर का इंपोर्ट था रिकॉर्ड हाई, 8,000 टन सिल्वर, मोर देन 8,000 टन ऑफ सिल्वर इंपोर्ट हुआ है। तो सिल्वर मार्केट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सिल्वर का यूज बढ़ते जा रहा है, यूटेंसिल में है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में है, ग्रीन एनर्जी में है, सोलर एनर्जी में, हर जगह पर सिल्वर का यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और इस इंडस्ट्री को जैसा कि HYD हॉलमार्किंग होने के बाद में जो ग्रोथ गोल्ड इंडस्ट्री को मिला है, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि सिल्वर स्टर्लिंग 9 to 5, इसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हॉलमार्क सिस्टम हो जाए और HYD हो जाए, ताकि हर एक सिल्वर के, आपने अगर यहाँ एग्जीबिशन में आज आप देख रहे हो, हमने जो पहल की है फर्स्ट टाइम सिर्फ सिल्वर के एग्जीबिशन रखा है, जिसमें मोर देन 540 स्टॉल्स है और 230 प्लस पार्टिसिपेट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह का पहला शो है और हमें जो सक्सेस मिला है, हम चाहते हैं कि सिल्वर इंडस्ट्री का इसी तरह का ये पहला शो है और हम आगे भी इसी तरह सिल्वर शो को हम प्रमोट करते रहेंगे। एक से एक ज्वेलरी है, लोगों ने देखी भी नहीं होगी, जैसे हमारे आज के हमारे चीफ गेस्ट मंगल प्रभात जी लोढ़ा ने कहा कि सिल्वर ज्वेलरी ऐसी है कि लोगों ने देखी भी नहीं, सिल्वर यूटेंसिल है, सिल्वर ज्वेलरी है जो यहाँ पे जो लोगों ने काम किया है, और एक एक स्टॉल के अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आप देख इतनी ब्यूटीफुल कार्विंग की हुई है, और इसमें यूटेंसिल है, आप ज्वेलरी देखो तो इट्स अ वन ऑफ द ब्यूटीफुल, और नो डाउट सिल्वर है, जो गोल्ड इतना प्राइस बढ़ता है तो नो डाउट लोग का को थोड़ा झुकाव सिल्वर ज्वेलरी पे जाता है, और आज की डेट में यूथ जनरेशन जो है वो सिल्वर ज्वेलरी को मोर लाइक करती है, लाइट वेटेड होते हैं, डिज़ाइनिंग ज्वेलरी होती है और यूज़ करते हैं, और हर फैशनेबल ज्वेलरी होती है और हर ड्रेस के साथ में उसको मैच हो जाती है। तो सिल्वर का जो दिन ब दिन यूज़ बढ़ते जा रहा है, तो उसमें लिए हम लोग ने सोचा कि एक गोल्ड के जगह पे ओनली सिल्वर और सिल्वर आर्टिसंस और सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट। यहाँ पे आप देखोगे इंडिया से हर जगह से, कोल्हापुर ले लो, अपना आगरा ले लो, कोयमतूर ले लो, हर जगह पे, राजकोट ले लो, अहमदाबाद ले लो, छोटे 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 गांव अपने जो कोल्हापुर के आजू बाजू के जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो हर एक की अलग अलग क्वालिटी है, आगरा की अलग क्वालिटी, अलग सिल्वर की अलग वैरायटी बनती है, कोयमतूर की अलग होती है, राजकोट की अलग होती है, ऐसी अपनी ज्वेलरी सिल्वर की बहुत फेमस है, जैसे पाजेब है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो टनोबंद में बिकती है। तो इसी तरह यहाँ पे हर लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इसको एक बार देखिए और इसको प्रमोट कीजिए। थैंक यू। पहले मेरा सभी मीडिया बंधुओं से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार कि आप इतने सुबह से यहाँ से हैं, और आज जो है आज हमारे भारत का बहुत ऐतिहासिक दिवस है। इब्जा ने पहली बार एक सिल्वर की चांदी की प्रदर्शनी भारत में पहली बार की है, और इसमें आज आप हालिका आज आपको मौका मिलेगा शूट करने का, तो आपको यहाँ हिंदुस्तान की हर ज्वेलरी, नकाश, आर्टिफैक्ट्स, फैंसी ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, बर्तन, आपको एक से एक ऐसे पदार्थ देखने को मिलेंगे जो पहले आपने भारत में कभी नहीं देखे हैं। जैसे आपको पता है भारत में हस्तकला का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य चलता है। हस्तकला एक दुनिया की पारंपरिक एक ऐसी चीज़ है जो भारत में सिर्फ बनती है।
तो आज आपको बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी देखने को मिलेगी जो भारत में कभी नहीं बनी और पहले कभी नहीं देखी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया आप इस एग्जीबिशन का पूरा एक राउंड करें और सब चीज़ें अच्छे से अच्छी कवर करें, और मुझे पूरा यकीन है कि ये आज आपको एग्जीबिशन जो आप आज देखेंगे ऐसा पहले ना कभी आपने देखा था और ना कभी देख पाएंगे, ये मेरा आश्वासन है आपको। एग्जीबिशन ये B2C नहीं है, ये B2B है। 8, 9, 10, 11 चार दिवस की ये प्रदर्शनी है। आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, चार दिन और रहेंगे। 17,000 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और भारतवर्ष हमको काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि चांदी का जो भी एक पर्सनल या फिर एक बोलते हैं ना कि एक स्पेशल स्टोर करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये प्रदर्शनी, बहुत बड़ी उनके लिए प्रदर्शनी हेल्प करेगी। और मैं देख सकता हूँ कि सुबह से भीड़ उमड़ चुकी है इस एग्जीबिशन में और मैं काफ़ी अच्छे बायर्स और रिटेलर्स पूरे हिंदुस्तान से देख रहा हूँ आने के लिए। और आने वाले चार दिन में मैं सोच रहा हूँ कि ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक आपको फुटफॉल्स इस एग्जीबिशन में आएंगे, ये मेरा मानना है। कितना बिजनेस बिजनेस की आंखों से मैंने अभी तक हिसाब नहीं लगाया, फिर भी मैं कैसे उसका टारगेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं आपको लिख के भेजता हूँ फिर अशोक जी, बिकॉज ये मैं ऐसे ही रैंडम में बोलूँ तो मज़ा नहीं आएगा।